मेरे स्क्रीन को सामने ला के दो बार क्लिक कर दो, उसको पिन हो जाएगा, वो फिर कभी हटेगा नहीं, हमेशा वहीं दिखता रहेगा। कर लिया? चलो अब यहां देखो, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉजिक गेट है क्या बेटा? लॉजिक गेट जो होता है ना, एक तरह का डिजिटल स्विच है, ठीक है ना। स्विच वही बेटा जिसका काम ऑफ या ऑन करने का होता है, मतलब जो या तो करंट पास करने दे या फिर उसको स्टॉप कर दे, ठीक है ना, उसी को लॉजिक गेट कहते हैं। तो लॉजिक गेट का मतलब है इट इज ए डिजिटल स्विच, डिजिटल स्विच विच आइदर अलाउ, विच आइदर allow to pass the current or stop it, या तो उसको पास करने दे या फिर उसको रोक दे, जो स्विच करता है बेटा ऑफ या ऑन करने के लिए बेटा। लेकिन डिजिटल स्विच, अब डिजिटल स्विच का मतलब क्या है? डिजिटल जो है बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक साइंस है जिसमें हमने ऐसा सिस्टम बनाया जो सिर्फ दो ही चीज को समझता है, जीरो को या फिर वन को। जैसे देखो, हम और तुम काफी अकलमंद है, इतना अकलमंद कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर को इंसान ने बनाया बेटा, इंसान को कंप्यूटर थोड़ी बनाया। इसलिए देखना वो विश्वनाथन आनंद कई बार जब खेलता था चेस तो कंप्यूटर को हरा देते हैं बेटा, वो यही है जिसको समझना है। यहां देखो, तो हम यहां पर जब भी ऐसी कोई बात करेंगे तो डिजिटल स्विच को समझने के लिए पहले बाइनरी को समझना पड़ेगा, और बाइनरी को समझने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है जो तुम लोगों को पहले मुझे बताना होगा, फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। अब जरा सोचो मैं क्या कहने जा रहा हूं, माइक को ऑन करना और जवाब देना है, नंबर सिस्टम। अब याद रखना, मैं जरा यस से बात करूं, बैठ गया यस। चलो बेटा यहां देखो, अगर सपोज करो एक नंबर है x इज इक्वल टू 129, एक नंबर हमने लिखा है 129, आप मुझे बता सकते हो इसमें 1, 2 और 9 में बड़ा कौन है? 9। चलो जी, अब ध्यान रखना आज के बाद से, साइंस कहता है ये गलत है। होगा हाँ, क्यों? नहीं 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 नहीं, ये लॉजिक गेट नहीं था, हमने नंबर सिस्टम लिखा है। वन साइंस से कहता है कि देखो रिया क्या है, रिया तो कोई भी हो सकती है, रिया एक नौकरानी हो सकती है, रिया एक डॉक्टर भी हो सकती है, रिया एक हाउसवाइफ हो सकती है, लेकिन तीनों रिया की वैल्यू अलग अलग है। अगर किसी मोहल्ले से डॉक्टर रिया गुजरती है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, हाउसवाइफ गुजरती है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, काम वाले गुजरेगी तो कुछ और होगी। मतलब साइंस कहता है नाम में कुछ नहीं रखा है जी, काम में रखा है। वैसे ही नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर सिस्टम ये समझाता है कि किसी भी नंबर की वैल्यू उसकी प्लेस डिसाइड करे, प्लेस मतलब वो कहां पे रखा गया है। अब देखो ध्यान से, साइंस कहता है कि जब भी किसी नंबर के इंपॉर्टेंट को समझना है तो उसको हटा के देखो, पता चल जाएगा। अब मैंने क्या किया, एक बार हमने 9 को हटाया और एक बार हमने y को 1 को हटा दिया, और दोनों जगह पे हटाने का मतलब 0 लिख दिया बेटा। देखो जरा क्या फर्क पड़ा, जब 1 को हमने हटाया तो नंबर की औकात 29 रह गई, और जब बेटा 9 को हटाया तो उसका नंबर की औकात 120 है। मतलब 1 बड़ा या छोटा नहीं है, उसकी प्लेस डिसाइड करेगी कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ जी, 9 की प्लेस यूनिट पे है इसलिए 9 छोटा है, 1 का प्लेस 100 पे इसलिए बड़ा है, इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। तो देखो बेटा, अब जरा ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, नंबर सिस्टम में हमें यह समझना है कि हमेशा हम यूनिट 10, 100, 1000 इसकी बात क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम यूनिट
सीधा 100, सीधा 10,000 ऐसे बात करते हैं, हम 10 का मल्टीपल क्यों जोड़ते हैं? व्हाई वी टॉक ऑलवेज कि 10 का मल्टीपल होना चाहिए? तो इसको हम ऐसे समझेंगे, जब भी कोई नंबर सिस्टम बनाया गया ना, वो इस बात पे डिपेंड करता था कि कितने यूनिट्स आप इस्तेमाल करते हो। अगर आज के बाद कोई आपसे पूछता है कि नंबर सिस्टम में आप हमेशा 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते, देखो कैसे लिखते हैं। हमने बचपन में सीखा था ये 129 है और इसको हम ऐसे लिखते थे, 9 × 10^0, 2 × 10^1 और 1 × 10^2। मतलब 100 प्लेस पे है, 2 यूनिट प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है और 9 यूनिट प्लेस पे है। ये 10 का ही मल्टीप्लीकेशन क्यों? यस, हमने 10 का ही मल्टीप्लीकेशन क्यों किया? 100 का क्यों नहीं किया? 5 का क्यों नहीं किया? 15 का क्यों नहीं किया? कभी सोचा इसके बारे में है? हाँ, सोचना चाहिए था बेटा, यही तो साइज, फिर साइज बनने का फायदा क्या है? कुछ भी कोई कह देगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, पहला जो होता है। तो नंबर सिस्टम जो होगा उसमें चार तरह के नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चार तरह के सिस्टम हमने बनाए और भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो पहला नंबर सिस्टम है ना उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये सिस्टम हमें यह समझाता है कि इसमें आपको सिर्फ 10 डिजिट ही इस्तेमाल करने का परमिशन है। मतलब इस नंबर सिस्टम में आपको परमिशन दिया गया है कि आप सिर्फ 10 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन कौन? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चूंकि आप सिर्फ 10 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 10 के बाद 11वां जो डिजिट होगा इसी में से होगा। 10 ही आपके पास फंडामेंटल है, आपकी राइट पे सिर्फ 10 है, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसीलिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दिखाता है कि 10 के बाद वैल्यू रिपीट होती है। तो जरा सोचो, अब जरा दिमाग लगाओ, अगर मान लो एक नंबर सिस्टम होता जिसमें यस सिस्टम होता, यस, और इसमें 10 नहीं 15 डिजिट अलाउड होते, तो हम वहां पे जो यहां पे 10^0 लिखा है ना, 15^0 लिखते, 15^1 लिखते, 15^2 लिखते। चूंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और जो हमने मैथमेटिकल्स पढ़ाई करी है उसमें हमें 10 ही डिजिट को इस्तेमाल करने का परमिशन है, इसलिए हम यहां 10 से मल्टीप्लाई करते। समझ में आगे बात? हाँ, 0 से लेकर 9 तक टोटल काउंट करोगे तो 10 होगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करते। तो अब समझ में आ गया ना क्यों 10 से मल्टीप्लाई करते हैं? अब दिमाग चलाओ जरा। मैंने आपको एक हिंट दिया, मैंने कहा यस एक नंबर सिस्टम हो सकता है, यस एक नंबर सिस्टम में, इसने कहा सर हम तो 15 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसको 15 से मल्टीप्लाई करें। अब हमारे पास जो कंप्यूटर या जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, मतलब उनको हमने परमिशन दिया है कि वो सिर्फ दो ही चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1, तो और कोई नंबर उनको परमिशन नहीं दिया गया है, बाकी उनको रिपीट करना पड़ेगा। तो उनको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2^0, 2^1, 2^2 ऐसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चल नोट कीजिए, फिर बात करें, लिखो इसको, फिर मैं समझाऊं। हमने देखो, अब हम आते हैं, पहला था डेसिमल, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब ये वो है जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनाई, उसको हमने सिर्फ दो ही नंबर दिया, 0 और 1। इसके सिवाय वो किसी और नंबर को ना तो समझ सकता है ना उसके बारे में बात कर सकता है। अब ध्यान से देखो, आज के बाद मतलब क्या है इसका? अगर कहीं पे लिखा है ना 101, रिया ध्यान से देख, अगर कहीं पे लिखा है ना 101, अगर कोई पूछता है बताओ इसको क्या लिखा है, तो गलती से भी 101 नहीं बोलने का, आप छूटते पूछोगे कि सर ये कौन सा सिस्टम है, डेसिमल या बाइनरी। मतलब अगर इसके आगे हमने 2 लगा दिया तो ये दिखाता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम, नीचे 2 का मतलब।
इसका मतलब है कि देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1 और 1 इंटू 2 की पावर 2। सबको सॉल्व कर दो, 4 0 1, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 इसका मतलब। समझ में आ गई बात? तो पहला था डेसिमल, उसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा है बाइनरी, जिसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि यहां पे दो ही डिजिट अलाउड है, या तो 0 या फिर 1। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं अगला, तीसरे नंबर का, इसको बोलते हैं ऑक्टा, डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे ऑक्टा मतलब होता है 8, जिसमें सिर्फ आप 8 ही डिजिट इस्तेमाल करें। जनरली ये लॉकिंग सिस्टम में यूज की जाती है, मतलब यहां पे 0 इस्तेमाल करेंगे, 1 इस्तेमाल करेंगे, 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने कहा ना बस 8 ही। अब देखो, अगर कहीं पे 101 और 8 लिखा है, मतलब ये ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम है। और अब इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं कहूंगा 1 × 8 की पावर 0, 0 × 8 की पावर 1, 1 × 8 की पावर 2, 64 + 0 + 1, ये 65 को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते चलो, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो 101 है ये, अगर नीचे 2 लिखा है तो 5 है ये, और अगर नीचे 8 लिखा है तो 65 है ये। देखो नंबर्स वही हैं, बट जैसे जैसे सिस्टम बदलेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगला देखो बेटा, चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जहां पे हम 16 डिजिट को इस्तेमाल कर सकते हैं, 16। कैसे? यहां देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद देखो क्या होता है, 10 11 12 13 14 और 15। हां एक बात बताओ, मामा जी एयरफोर्स में काम करते हैं, देखना उनके डिवीजन या बटालियन का नंबर जो लिखा होता है ना, लिखा होता है 1AF, 1AF, देखा है कभी? लिखा होता है, उसको कई लोग सोचते हैं गलती से IF लिखा है, इंडियन एयरफोर्स, बट इट इज 1AF। 1AF मतलब उस बटालियन का नंबर है, कोडवर्ड है। उसमें A 10 को रिप्रेजेंट करता है, F 15 को रिप्रेजेंट करता है, सबकी वैल्यू। तो A वहां पे कोडवर्ड में 10 है, B वहां पे 11 है, C वहां पे 12 है, D वहां पे 13 है, E वहां पे 14 है और F वहां पे 15 है। टोटल 16 डिजिट इस्तेमाल की जाती है। हाँ अब उसके बाद नंबर नहीं है ना, लेकिन हमें साइंस में तो इस्तेमाल करना है, लेकिन नंबर तो है नहीं हमारे पास भाई, मैथमेटिकल नंबर्स तो 9 ही है ना, तो हम फिजिक्स मैथ की वजह से थोड़ी है, मैथ्स का हेल्प ही ना है फिजिक्स में। तो अब हमें यह समझना है कि देखो ध्यान से, अगर कहीं पे लिखा हो ना 1AF, ऐसे अगर लिखा हो तो यह समझना है कि यह कुछ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो कैसे निकालेंगे नंबर? F का मतलब 15 × 16 की पावर 0, A का मतलब 10 × 16 की पावर 1 और 1 का मतलब 1 × 16 की पावर 2। अब देखो जरा उसका नंबर क्या हुआ, ये हो गया 256, ये हो गया 160 और ये है 15। ऐड कर दो, जब इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 431। तो 1AF का एक्चुअल जो मतलब है वो 433 लिखा हुआ, ये इसका मतलब।
तो मैंने क्या कहा, अब जब हम लॉजिक गेट या डिवाइसेस की बात करेंगे तो जब भी कोई नंबर्स होगा उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो हो ये जरूरी नहीं, उसमें डेसिमल ऑक्टा ये सब इस्तेमाल होता है। हाँ बेटा, अरे उसका नंबर तो F का मतलब 15, 16 टोटल डिजिट है, काउंट करके देख, A 10, B 11, हाँ तो 15 होगा ना, डिजिट 16 है, F का मतलब 15 है, A का मतलब 10 है नंबर सिस्टम। ऐसे हम सिस्टम सोच सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि ऐसे चीजें होती हैं, चार जो दुनिया में इस्तेमाल होता है। और भी जो देखो कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा अमेरिका का कोडवर्ड अलग होता है, फ्रांस का कोडवर्ड अलग है, हमारा कोडवर्ड अलग है, और कोड ब्रेकिंग सिस्टम होती है। वो कोड इसलिए होता है कि पता नहीं मैं कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करता हूं, मैं ही जानता हूं। तो सिक्योरिटी जोन के अंदर जो होता है ना कोडवर्ड ऐसे ही बनते हैं साइंटिफिकली। मतलब अमेरिका की अगर सारी बात तुम समझ जाओ फोन टैप करके तो फिर उसके काहे के वो एजेंसी काम कर रही है। तो ये कोड जनरेट की जाती है, जैसे हमने कंप्यूटर को बनाया कि बस मुझे बाउंड्री समझना। तो ये ऐसा नहीं कि चार ही होगा, बहुत हो सकता है, लेकिन इतना तुम्हें तो बहुत कम पढ़ना है, तुमको तो सिर्फ बाउंड्री और डेसिमल पे ध्यान लगाना है। ये दो तो मैंने इसलिए बताया ताकि तेरे दिमाग में घुस जाए बात कि एक्चुअली में नंबर सिस्टम का सोच क्या होता है। अब हमें जो फोकस करना है वो सिर्फ ये है कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे सोचें और डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें जो इस्तेमाल करना है ना वो जो यूज करना है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम होगा और डेसिमल जो हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमें बाइनरी की जरूरत है। ठीक है, तो यहां देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी मतलब अगर तुमने कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कुछ लिखा 65 लिखा तो उसके बस का नहीं है 6 और 5 को समझना, क्योंकि वो हर चीज को 1 या 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो यूज करता है या उसको सेव कर रहा है। तो जो तुम फोन यूज करते हो ना उसमें देखना, पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर उसी को एमबी केबी और जीबी से लिखते हैं, गीगाबाइट 10 की पावर 9। तो एक बिट को हम कहते हैं नंबर्स, बाइनरी में जो एक है उसको बिट कहते हैं। तो 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है और फिर उसको हम केबी जीबी टेराबाइट सब बेटा मेजर करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, याद रखो। अब हमें यह समझना है कि हम एक डेसिमल जो नंबर दे रखा है उसको बाइनरी में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यह समझने की कोशिश करनी। ठीक है, चलो तो देखो, ध्यान से लिखना बंद करो, पहले इसको समझो, हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। इसके लिए क्या करेंगे, हमने लिखा 65, अब आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 65 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि अगर 65 को हमने किसी कंप्यूटर को बताया कि 65 को समझो तो वो कैसे उसको समझेगा और अपने अंदर कैसे स्टोर करेगा, क्योंकि उसको 0 और 1 के बीच 65 होल की पावर 2 कर देगा। नहीं, कंप्यूटर को सिर्फ 1 और 0 समझ में आती है, 2, 3, 4, 5 उसको कुछ नहीं पता, वो बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड है, तो इन सबको 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो 0 और 1 के फॉर्म में कैसे होगा वो समझना, होल बाय 2 नहीं कर सकते, होल बाय 2 का मतलब 0 और 1 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, इधर देखो, कन्वर्ट 65 इनटू बाइनरी, तो देखो कैसे करेंगे, 65 इसको 2 से डिवाइड करो, 2 को 65 से डिवाइड करेंगे 32 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 32 2 जा 64 होता है, रिमाइंडर 1। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे,
टू एट जा 16, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर 0। ऐसे हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। अब देखो क्या होता है, नीचे से ऊपर हम इसको लिखेंगे, इसको कहते हैं LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट या बिट, सबसे छोटी वैल्यू जिसकी हुई है, इसको कहते हैं नीचे वाले को MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब वो नंबर, वो वन जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। जैसे मैंने कहा ना, 1, 2 और 9 में वन सबसे बड़ा था, यहां पे 1 0 है, तो ये वन, ये वाला वन सबसे बड़ी वैल्यू है, ये वाली वन सबसे छोटी वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां से वन पहले ये वाला 1 2 3 4 5 5 0 और फिर लास्ट में वन। तो अगर आपने कंप्यूटर को 65 लिखा ना, वो इसको ऐसे समझेगा, वो उसको 1 5 times 0 1 इस फॉर्म में स्टोर कर देगा कि उसका ये मतलब है, उसने ऐसे सेव करके रख लिया। हैं? पहले वाला नीचे वाला MSB है, यहां पे देखो ये पहले वाला होता है, इसको बोलते हैं MSB और लास्ट वाले कहते हैं LSB। राइट साइड में जो है वो सबसे छोटा है, लेफ्ट साइड वाला वन सबसे बड़ा है। रिया समझ में आ गया बेटा? अरे इसको ऐसे लिखना था, सॉल्व तो तब करेंगे जब तुमसे कोई कहे कि इसका डेसिमल वैल्यू कितना होता है। मतलब ये हो गया 65 को कंप्यूटर ऐसे स्टोर करेगा, 65 का बाइनरी नंबर ये हो गया, इसका ये मतलब। हाँ, अगर अगर इसी में ये होता कन्वर्ट करो इनटू कन्वर्ट 10000 जो भी आपने लिखा था वन इनटू डेसिमल, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो तुम वापस वैसे 2 की पावर 0, फिर इसको लिखती है ऐसे 1 into 2 की पावर 0, यहां से शुरू होते, यहां से शुरू करते फिर बढ़ते जाते, प्लस 0 into 2 की पावर 1, प्लस 0 into 2 की पावर 2, प्लस 0 into 2 की पावर 3, प्लस 0 into 2 की पावर 4, प्लस 0 into 2 की पावर 5, प्लस 1 into 2 की पावर 6, तब ऐसे लिखते। अब देखो ये सब 0 हो जाए, ये 1 है, ये 64 है, तो 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। तो हम कन्वर्ट तब करते हैं जब कोई आपसे ये पूछता है कि इसके लिए डेसिमल वैल्यू कितनी हो, तो कन्वर्ट करते। समझ में आ गई बात? चलो एक जल्दी से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको आप कन्वर्ट करके दिखाओ। अगर डेसिमल में, क्योंकि हमें पता है ना कि डेसिमल नंबर डेसिमल में तो एडजस्ट कर सकता है, फ्रैक्शनल नंबर तो हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, तो क्या करो? तो जब 1 से बड़ा के लिए आपने क्या किया था, डिवाइड किया था, अब उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो कैसे, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि मैं पहले सोचा था इसको नहीं बताऊं, लेकिन क्या पता ये क्वेश्चन आ जाएगा सिलेबस में। तो जब भी नंबर 1 से छोटा होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बजाय 2 से डिवाइड करते, पहले 2 से डिवाइड किया था, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा करेंगे, और मिशन वही होगा, या तो 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए। जैसे देखो कहीं पे अगर 0.5 दे रखा है और मैं आपसे चाहता हूं कि इसको बताओ डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखे, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 into 2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसको यही छोड़ देंगे। मतलब 0.5 को हम बाइनरी में 1 के साथ डेसिमल 1 लिख सकते हैं बेस 2, ऐसे पॉइंट के बाद क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं बेस 2। अगर मान लो 0.25 होता, 0.25 इसको कन्वर्ट करना होता, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाता 0.5, रिमाइंडर 0,
फिर इसको मल्टीप्लाई करते दोबारा, तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक वन या जीरो ना आ जाए, ये ध्यान रखना है, तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक वन या जीरो ना आ जाए, इसको ध्यान रखना है बेटा। तो देखो पहले 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0.5, रिमाइंडर जीरो है, फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं पे 0.25 है उसको लिख सकते हैं पॉइंट, ऐसे लिखते हैं, यहां पर उल्टा चलता है, पहले क्या था नीचे से ऊपर गए थे, अब ऊपर से नीचे आ गए, ये है आपका यहां पे एमएसबी और ये एलएसबी, उल्टा हो गया सब कुछ, एरो पलट गया। डेसिमल नंबर में वैसे भी सब उल्टा ही तो हो जाता है, आप देखो ना, अगर हमने लिखा है 125 तो इसको हम 5 को 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 10 की पावर 1 से, 1 को 10 की पावर 2 से, लेकिन अगर कहीं पे लिखा है 125.25 तो उल्टा करते हैं। देखो ना यहाँ पे मैं आपको ये जरा समझाऊं डेसिमल में, अगर कहीं पे 0.25 है इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ऐसे लिखो। ये तरीका है लिखने का डेसिमल में जो सीखा था कैलकुलेशन में हम लोग छोटी क्लासों में, अब हम वही काम यहां पे करना है। तो 0.25 को मैं लिख सकता हूं 0.01, ऐसे ये डेसिमल है, ये बाउंड्री, समझ में आ गई बात। और एक आध एग्जांपल समझा रहा हूं उसको भी ध्यान से देखें, अगर मान लो कहीं पे 0.125 आ गया, कोई आपसे कह रहा है कन्वर्ट 0.125 इंटू बाइनरी, तो कोई बात नहीं आप वही काम करोगे, 0.125 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 25, रिमाइंडर 0, फिर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 का समझ और किसी चीज का समझ नहीं, ये रिजेक्ट कर देगा आपके पास, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 0.5, रिमाइंडर 0 नहीं लिया क्योंकि उसको 0 और 1 चाहिए, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा 1, अब उसको एक्सेप्ट करें। और फिर कैसे दिखाएंगे इसको, ऊपर से नीचे, मतलब 0.125 का मतलब हो गया, हम लिख सकते हैं इसको 0.001 बेस 2, या रिया कुछ समझ में आया? ऊपर वाला कोड क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा जो इस कोने में लिखा है, मैंने यहां पे लिखा है कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 0.125 इनटू बाइनरी, ये क्वेश्चन लिखा है, मतलब 0.125 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब जब नंबर 1 से छोटा हो तो 2 से डिवाइड नहीं करते, यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मिशन वही है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो एक्सेप्ट की जाएगी वो या तो 0 एक्सेप्ट की जाएगी या फिर 1 एक्सेप्ट की जाएगी, और कुछ नहीं। तो पहले केस में जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 0.25 आ गया, अब ये ना तो 0 है ना 1 है, तो इसलिए 0 कर लेगा, मतलब रिजेक्ट कर देगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। फिर 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 आ गया, अभी भी नहीं ले सकता ये, फिर 0 एक्सेप्ट करेगा। फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, अब क्या करेगा, 1 आ गया, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, काम पूरा हो, ठीक है। नोट कर लिया इसको, एक और एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूं, अगर आपने ये पहला हिस्सा लिख लिया हो 0.5, तो अब जरा और एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझो। एग्जाम्पल ये है बेटा कि कन्वर्ट अगर ये होता है 0.750 या 0.75 इंटू बाइनरी, बेटा लिखना बिल्कुल बंद कीजिए और इसको प्यार से समझिए बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन है, मुश्किल हुआ तो यही आ सकता है, डेसिमल के नंबर जो बेटा चेंजेस होते हैं। देखो क्या करना है, इसमें बढ़ाओगे
चलो बनाओ फिर, बताओ मुझे कितना आएगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसका यह मतलब था कि देखो, जैसे तुमसे अगर कोई बात करता है, कोई कहता है यस सिंग पोंग चिंग, तो तुम्हें यस तो समझ में आया ना, बाकी चीज समझ में नहीं आया, तो तुम यस को तो एक्सेप्ट करोगे ना, कहोगे मम्मी इसने यस बोला था, पता नहीं उसके बाद क्या बोला था। यही कंप्यूटर कर रहा है बेटा, उसको जीरो वन मिलते एक्सेप्ट कर लेगा, वन को लेगा जीरो के लेगा, बाकी को उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, हमने क्या किया, सबसे पहले 0.75 को उठाया, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 1.5 आ गया। कंप्यूटर को ये तो समझ में आ रही है ना, सिस्टम को बाइनरी नंबर में, मतलब वो 1 को समझ गया, इसका मतलब 1 को एक्सेप्ट करेगा, 0.5 को छोड़ देगा। अब 0.5 बच गया इनटू 2, ये हो गया 1, खत्म बात। ऐसे काम होगा, समझ में आ गई बात। तो यहां पे इसका मतलब 0.75 को लिखेंगे 0.11, ये रहा, ये इसका मतलब। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करके देखो जल्दी से, कन्वर्ट 0.625 इंटू बाइनरी, लो जल्दी से करो, 0.625 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। कितना आया बेटा? सर 101.2। 101 पॉइंट पहले लगाना पड़ेगा बेटा, 2। हाँ ठीक है, हाँ बेटा, ट्रिपल वन नहीं, 0.101। बोलिए, 0.625 करते हैं, गुड, जैसे मल्टीप्लाई करेगा 1.25। अब देखो क्या करेगा, 1 एक्सेप्ट करेगा, 0.25 को छोड़ देगा, 0.25 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 0.5। कुछ समझ में नहीं आया इसको, अरे 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 0.5 ना, तो कंप्यूटर को तो समझ में कुछ नहीं हो, तो जीरो ही समझेगा उसको भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको हमने दिया है बाइनरी, तो या तो हां बोलेगा या ना बोलेगा, और फिर इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया 0.5 × 2 कितना हो गया 1, बस 0.101। चलिए बेटा, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देख लो, 0.875 इसको कन्वर्ट करना इनटू बाइनरी,